हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैंने लिया है चिल्ड मिल्क और मैंने लिया है चिल्ड व्हिप्ड क्रीम। ये चिल्ड मिल्क है, चिल्ड मिल्क पाउडर है, चिल्ड व्हिप्ड क्रीम पाउडर है और विद अटैचमेंट। इसको मैंने 2 घंटे पहले ही फ्रिज में रख दिया था। अब अटैचमेंट को मैं ब्लेंडर में अटैच करूँगी। ये हैंड ब्लेंडर है और इससे बहुत अच्छे से क्रीम जो है ब्लेंड होती है। अब मैं नीचे एक प्लेट ले रही हूँ जिसमें मैं आइस को रखूँगी ताकि जो हमारी क्रीम जो बने वो बिल्कुल चिल रहे, उसका टेम्परेचर नॉर्मल ना हो, कि क्योंकि नॉर्मल अगर टेम्परेचर होने लगेगा तो क्रीम अच्छी नहीं बनेगी। तो इस वजह से मैंने उसके नीचे, आप जब भी बनाइए तो इसी तरह से बनाइए तो आपकी व्हिप्ड क्रीम बहुत अच्छी बनेगी। तो अब यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा चिल्ड मिल्क ऐड करती जाऊँगी और अपने ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करती जाऊँगी धीरे धीरे। पहले 1-2 स्पीड में आप ब्लेंड करिए, फिर धीरे धीरे देन जब आपका थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए फिर आप स्पीड को बढ़ा लीजिए, फुल स्पीड कर लीजिए। अब मैंने दो चम्मच यहाँ पे मैंने शुगर ऐड किया है, पिसी हुई चीनी। ये देखिए फिर से मैंने ब्लेंड किया है और ये धीरे धीरे मुझे ब्लेंड करते हुए इसे 10 मिनट के लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए मेरी क्रीम बहुत ही अच्छी बनी है मेरी, और आप इस तरह से भी देख सकते हैं, इसको पलट कर देखिए। अगर आपकी क्रीम नहीं गिर रही है देन इसका मतलब है आपकी जो व्हिप्ड क्रीम है बहुत ही परफेक्ट बनी है। अब ये मेरा क्रीम का प्रोसीजर हो गया। मैं इसे फिर से फ्रीज कर दूंगी ढक कर के। अब मैंने लिया है स्पंज, अब मैं इसे भी इसे कट करूँगी। अगर आपको स्पंज की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पर स्पंज की रेसिपी भी सेपरेट अपलोडेड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट करके सिर्फ स्पंज की रेसिपी देख सकते हैं। देन मैंने इसको ऐसे कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक ये सिल्वर प्लेट ली है, इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम लगा दी है ताकि हमारा जो स्पंज है, जो केक है, वो इधर उधर ना डगमगाए, ना हिले। अब मैंने यहाँ पे नीचे का पार्ट रखा है, देन उसके ऊपर मैं शुगर सिरप लगा रही हूँ, फिर उसके ऊपर मैं लगाऊँगी क्रीम। शुगर सिरप अच्छे से लगा लीजिए ताकि ब्रेड के क्रम जो है ऊपर ना आए, जो केक के क्रम है वो उभर कर ऊपर ना आए क्रीम के साथ। अच्छे से मैंने लगा लिया है शुगर सिरप। अब देन मैंने इसमें क्रीम लगाऊंगी, स्पैचुला की हेल्प से मैं क्रीम ले रही हूँ। देन मैंने इसे इस तरह से मैंने क्रीम आइसिंग कर ली है मिडिल एरिया में। देन ये होने के बाद अच्छे से आप क्रीम लगा लीजिए, देखिए इस तरीके से। देन अब इसका ऊपर का जो है पार्ट उसे भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, ये हो गया। इसके ऊपर भी मैंने शुगर सिरप लगा दिया है इस तरह से, अच्छे से शुगर सिरप लगा दीजिए। देन उसके ऊपर भी मैं क्रीम, व्हिप्ड क्रीम अपनी डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से आइसिंग करके इस तरह से, देखिए अच्छे से आइसिंग कर ली। चिकना बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे अभी इसके ऊपर डेकोरेशन करनी है तो चिकना करके कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा मेहनत करने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि इसके ऊपर मुझे डेकोरेशन करनी है। तो ये मेरा क्रीम लगभग ऑलमोस्ट चारों तरफ लग गया है अच्छे से। देन मैं इसे रख दूँगी डीप फ्रीज करके। अब मैंने ये लिया है फाउंटेन शुगर सिरप जो कि फाउंटेन केक में यूज़ होता है। देन मैं यहाँ पर क्रीम को कलर्ड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर वाटर बेस कलर लिया है, पर आप हमेशा कोशिश ये करिए कि वाटर बेस कलर ना लीजिए, हमेशा जेल बेस लीजिए, उससे आपकी क्रीम की थिकनेस जो है वो बनी रहती है। वाटर बेस से थोड़ा आपकी क्रीम पतली हो सकती है, पर मेरे पास अभी यही अवेलेबल था इस वजह से मैंने वाटर बेस ही लिया है। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर की क्रीम बनाई है। देन मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर चाहिए तो अब मैं ग्रीन कलर की क्रीम बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कलर ड्रॉप ऐड करके। देन मैं इसे कंप्लीट करके इसे मैं डीप फ्रीज करके फिर से रख दूँगी। ये देखिए मुझे कलर कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने और कलर ऐड किया है। बहुत अच्छे से इसे फेटिए मत, बस हल्का हल्का सा इसे मिलाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से इसे फेटेंगे आप तो इसकी जो थिकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। देन देखिए मेरी ये भी क्रीम कम्प्लीट है। अब मुझे रेड कलर चाहिए था, रेड पिंक कलर चाहिए था मुझे, तो फिर मैंने ये कलर ऐड किया है। देखने में बिल्कुल रेड लग रहा है बट इस क्रीम में इसका कलर पिंक आया। तो इस तरह से मैंने अपने तीनों क्रीम कलर्ड वाली बना ली है। देन मैंने तीनों को स्टोर कर दिया है फ्रिज में। देखिए ये भी मेरी कंप्लीट हो गई है।
अब इसे भी मैं रख दूँगी डीप फ्रीज करके। अब मुझे लेना है अपना केक, देन उसके ऊपर रखना है मुझे वो जो मैंने शुगर सिरप से बनाया था, ये फाउंटेन केक में यूज़ होता है। अब इसको मैं कवर करूँगी इस तरीके से, मुझे कुछ शेप देना था क्रिसमस ट्री के लिए, तो मुझे ये परफेक्ट लग रहा था, तो मैंने मुझे ये सही लगा, तो मैं इस तरह से इसको चारों तरफ से कवर करूँगी। पहले मैंने वाइट कलर से कवर किया है, अब मैं इसमें ऑरेंज कलर से कवर कर रही हूँ। अब मैं उसके साइड साइड में थोड़ा स्टोन लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा घास के, ये जो मैंने हट टाइप, ये मैंने हट बनाने की कोशिश की है, हट के आसपास ये मैंने स्टोन लगा दिए हैं जो पत्थर का लुक देंगे। तो ये मेरा हो गया स्टोन। देन मुझे अब ग्रास बनानी है, तो मैंने ग्रीन कलर लिया है और ग्रीन कलर से मैं ग्रास बना रही हूँ, इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा, आई होप काफ़ी अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने पूरी ग्रास कंप्लीट कर ली है, मुझे ये ग्रास बनानी थी पूरे में, तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, ग्रीन कलर की ग्रास घास बना ली है। देन अभी मैंने ये कंपाउंड आता है आपको मार्केट में, इसलिए लोकल मार्केट में या ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिलेगा, इसको मैंने मेल्ट करके ये शेप दे दिया है, इससे मैं ट्री क्रिएट करूँगी इस तरीके से। देखिए एक वन बाय वन करके कुछ स्टार हैं, कुछ रोज़ शेप हैं, तो जिसको मैं वन बाय वन करके एक के ऊपर एक रख लूँगी। देन रखने के बाद इसको मैं ट्री का शेप दूंगी। देखिए अब उसके ऊपर मैंने ग्रीन ग्रास फिर से लगा दी है, जिससे पेड़ का लुक आए, ट्री का लुक आए, अच्छा लगे, तो मैंने ये ट्री का लुक क्रिएट कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने ट्री का लुक क्रिएट कर दिया है। देन उसके ऊपर मैंने कुछ स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे, तो मैंने उसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगा दिए हैं। उसके बाद मैंने छोटे छोटे स्टार हैं शुगर के बने हुए, वो मैं स्टार लगा रही हूँ जो कि काफ़ी अच्छा लुक देंगे, तो इस तरह से मैंने स्टार लगा दिया है। छोटे छोटे स्टार आपको कहीं भी लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं वहाँ से। किस तरह से मैंने इसमें स्टार लगा दिए हैं। देन जो हार्ट मैंने बना रखी है उसमें भी छोटे छोटे स्टार लगा दूंगी ताकि ऑल ओवर लुक बहुत अच्छा आए। साइड में मैंने केक के साइड में मैंने छोटे छोटे पिंक कलर की लाइनें खींच दी हैं, आपको साइड से दिख रहा होगा, ये लाइनें खींच दी हैं जिससे केक साइड से भी लुक अच्छा आ रहा है। देन मैं अभी साइड में और भी डेकोरेशन करूँगी जिससे ऑल ओवर केक का लुक काफ़ी अच्छा आ जाएगा। देन मैं यहाँ पर मैरी क्रिसमस लिख रही हूँ, wish you a merry christmas, wish you a merry christmas, wish you a merry christmas, happy new year, happy new year। तो आप सभी को happy new year and merry christmas।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा केक होता है कंप्लीट। सो आई होप गाइस आपको मेरा ये केक पसंद आए, डेकोरेशन पसंद आए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है आपको, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और